नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। बाजारों में राखियों की दुकानें बड़ी सजी हुई हैं। बाजार में महिलाएं राखियां खरीद रही हैं और बाजारों में अच्छी रौनक दिखाई दे रही है। इस बार बाजार में तरह तरह की बड़ी सुंदर राखियां आई हुई हैं। वहीं राखियों में राष्ट्रीय दिवस तिरंगे की झलक दिखाई दे रही है। राखियां खरीदने आई महिलाओं और दुकानदारों ने कहा कि राखी का यह पावन त्यौहार बहन भाई के आपसी प्रेम प्यार का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस बार राखियों में जो तिरंगे झंडे की झलक दिखाई दे रही है, वह देशवासियों के मन में अपने देश के प्रति स्नेह और सम्मान का प्रतीक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो कश्मीर में धारा 370 तोड़ी है, उससे लोगों में बड़ी खुशी है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास रिपोर्ट। ये से ना भाई बहनों का ये प्यार का प्रतीक है। बहन हमेशा चाहते कि भाई उसकी रक्षा करे प्यार से हमेशा। अगर वो भाई बाहर जाता है, उसकी हर मतलब मनोकामना पूर्ण हो, वो देश के लिए कुछ ना कुछ करे, जो भी मतलब उसकी इच्छाएं हैं, अच्छी इच्छाएं हैं, वो पूरी हों उसकी किसी भी। हाँ जी, इसमें है ना मतलब देशभक्ति की भावना भाइयों में जागृत होती है। वो सोचते हैं जैसे हम अपनी बहनों की रक्षा करते हैं, अपने देश के प्रति भी ये जो भी हमारे देश के ऊपर भाइयों पे बहनों पे मुसीबत आती है, उसका हम उसी तरह से सामना करें, देश की भी उसी तरह से रक्षा करें जैसे हम अपनी बहनों की करते हैं। राखी का त्यौहार साल में एक बार आता है भाई बहन का, तो बहनें रक्षाबंधन पर राखी खरीदने के लिए आती है, अपने भाइयों को कलाई पर बांधने के लिए। उत्साह ही उत्साह होता है और वो अपने भाइयों के पास जाती हैं और राखी बांधकर और तिरंगा झंडा हमारी राखियों के अंदर प्रतीत हो रहा है। हमें गर्व है कि हम भारत के रहने वाले हैं और हमारा भारत देश, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी व गृह मंत्री अमित शाह जी के अनुसार भारत के अंदर सब कार्य बहुत बढ़िया से बढ़िया चल रहे हैं।